खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां महामंडलेश्वर सांसद डॉक्टर साजी महाराज की रिकॉर्ड जीत की खुशी में मोहन विधानसभा क्षेत्र के ओरसा मंडल में भुड़खुड़ी गांव में स्वागत सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं की जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने हमें दोबारा रिकॉर्ड जीत सांसद चुना है। पति से परेशान होकर पत्नी ने उठाया ऐसा कदम जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पति की हरकतों से परेशान होकर पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, जहां अजय मलिक नाम युवक की हत्या हुई थी, जिस मामले में पुलिस छानबीन भी कर रही थी। वहीं पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। सर, एक टीपी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी कुछ समय पहले एक दो दिन पहले एक मामला हुआ था, क्या पूरा मामला जिसका खुलासा हो रहा है? दिनांक 15/16 की रात्रि में गगन बिहार रोटा रोड पर स्कूल संचालक अजय मलिक की हत्या हुई थी, जिसमें मैंने अभियुक्त तो उसकी पत्नी संत और उसके दो दोस्त सचिन और उसका एक दोस्त है जिसका नाम दीपक, रचना गिरफ्तार है और उसका दोस्त प्रेमी सचिन और उसका एक दोस्त दीपक फरार है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। हुआ यूँ कि अक्सर अजय इसे प्रताड़ित करता था, अमानवीय कृत्य करता था, ये तंग आ चुकी थी। इसी बीच इसकी मुलाकात सचिन से हो गई। सचिन के पास पहले करीब 1.5 साल पहले जा भी चुकी है 7-8 दिन के लिए। उस जब ये वापस आएगी अपनी बेटी की वजह से तो और उसके साथ कृत्य करने लगे, परेशान करने लगे। इसी वजह से इसने सोचा या तो मैं खुद आत्महत्या कर लूं या उसे लगा दूं। तो एक योजना के तहत कई दिनों से प्लान बनाया जा रहा था। जिस दिन इसका देवर बाहर था पिंटू, उसी दिन उससे बात करके बुलाया गया और घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कुल कितने आरोपी होंगे? 3। तो मेन मास्टरमाइंड कौन रहा इसमें? रचना मृतक की पत्नी। राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी किसान मेरठ कमिश्नर चौराहे पर दिया धरना। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक बकाया भुगतान नहीं कराया गया, जिससे किसान काफी परेशान है, जबकि सरकार ने ये घोषणा की थी कि गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर ही कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल अभी तक घोषित नहीं किया है और चीनी मिल चले पखवाड़ा बीत गए। किसान को अभी ये जानकारी नहीं कि हमारा जो गन्ना है वो चीनी मिल में किस मूल्य में गन्ना हमारा जा रहा है और हमें क्या उसके दाम मिलेंगे। किसान आर्थिक तंगी में है, न फीस जा रही, न शादियां बच्चों की हो पा रही है, बेटियों की हो पा रही है। और उधर तमाम चाहे मुख्यमंत्री हो गन्ना मंत्री हो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हमने 14 दिन किसान के गन्ने का बकाया भुगतान हम 14 दिन भुगतान करा रहे हैं और गन्ने का उचित मूल्य देंगे। जब जो प्रदेश का मुखिया रमाला शुगर मिल का उद्घाटन करने के बाद भी किसान को ये नहीं बता पाया कि आपके चीनी का आपके गन्ने का जो मूल्य है वो इतने रुपये आपको मिलेगा, और उद्घाटन करने के बाद चलेगा तब से वो चीनी मिल बंद पड़ी है। पिछला बकाया अभी तक 4,000 करोड़ रुपया अभी तक चीनी मिलों पर बकाया है उत्तर प्रदेश में, उसको वो भुगतान नहीं करा पाए, ब्याज नहीं दिला पाए, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करा। हम आज आए हैं कि गन्ने का तत्काल गन्ने का मूल्य घोषित हो, 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित हो, तत्काल हो, और जो बकाया भुगतान है मैं ब्याज के उसकी तत्काल उसके किसान की भुगतान उसका हो, इस मांग को लेकर हम आज पहुंचे। गाजियाबाद में बिजली कर्मचारी 48 घंटे की हड़ताल पर हैं, वे कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह है पीएफ घोटाला। कर्मचारियों का कहना है कि 48 घंटे तक कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि सरकार उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिलाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में बाकायदा नारेबाजी भी की गई और एक मीटिंग करके आगे की रणनीति कर्मचारियों ने तय की है। आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मुख्यतः 3 ही मांगे हैं। पहली मांग, जो हमारा पैसा पीएफ का डूब गया है सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, गजट नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी मांग, जो भी आईएएस अधिकारी, अब तक सभी की गिरफ्तारी हुई लेकिन किसी भी आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं है जो कि चेयरमैन ट्रस्ट होते हैं, तो जो भी दोषी आईएएस अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। तीसरा, हमारा पैसा कितना है, कहाँ लगा, कब कब लगा, कैसे लगा, इसके लिए सरकार स्पष्ट श्वेत पत्र जारी करे। ये हमारी प्रमुख मांग। नहीं मानेंगे तो अभी हमारा 48 घंटे कार्य बहिष्कार है। भविष्य में जो भी केंद्र हमें निर्देश करेगा, हो सकता है केंद्र हड़ताल के आदेश कर दे, पूर्ण हड़ताल में हमारा टूल डाउन पेंट डाउन, हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना सप्लाई देखेंगे ना कुछ भी देखेंगे, जो भी स्थिति या जो भी हमें ऊपर से निर्देश आएंगे केंद्र से, ये निर्देश ये लेने का अधिकार मेरे क्षेत्र में नहीं है। केंद्र जो भी लखनऊ से निर्देश आएंगे हम उसका पालन करेंगे। मेरा नाम राम नारायण उपाध्याय है। हमारी मांग ये है, जो हमारी गाड़ी कमाई का पैसा जीपीएफ और सीपीएस में जमा किया था, जो अभी इन्होंने डीजेएफएल घोटाले में लगाया हुआ है, पहले तो मेन मांग ये है कि वो पैसा वापस आना चाहिए।
वो पैसा वापस आए तथा जो उसमें दोषी हैं जिनकी वजह से वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो फंस गया है उनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद अली है, मैं उपखंड अधिकारी हूँ और आज जो हमारा ये सांकेतिक कार्य बहिष्कार है 2 दिन का 48 घंटे का है, इसमें हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो गाड़ी कमाई है CPF और PF का जो पैसा हमारा लूटा है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है हमारा उनसे निवेदन है कि वो CBI जांच कराए और जो घोटाले में जो भी IAS अफसर है जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करे और जेल में भेजे और हमारा पैसा जल्द हमें वापस दे, हमारी गाड़ी का कमाई का हमें पैसा वापस लौटा। यूपी के बुलंदशहर में आन बान और शान के लिए पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बेटी के शव को बोरे में बंद कर खेत में फेंक कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अब बेटी के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद हुआ था, उस मामले में जो है हत्या आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला था और किन किन कारण ये हत्या हुई सर? देखिए, इस महीने में 4:45 की रात में एक बोरे में एक अज्ञात लड़की का शव मिला था जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों पर उसकी फ़ोटो प्रसारित की। बाद में दिल्ली से एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो बताया गया कि ये लड़की जो है लोगला गांव की रहने वाली है और उस आधार पर लोगला गांव में जाके पता किया गया, फ़ोटो दिखाई गई तो लड़की की शिनाख्त रामजी लाल जाटो की बेटी के रूप में हुई। और जब रामजी लाल को उठाया गया तो पता चला कि आपकी लड़की अगर इतने दिनों से गायब है तो आपने अब तक कहीं सूचना क्यों नहीं दी। शक के आधार पर उसे उठाया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, उसने जुर्म स्वीकार किया। बेटी के चाल चलन को लेकर के पिता को आपत्ति थी, इस आधार पर उसके द्वारा बेटी की हत्या कर दी गई और शव को बोरे में रख करके छुपाने के उद्देश्य से दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। फिलहाल अभियोग का अनावरण हो गया है, अभियोग गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद देहात के जगतपुर निवासी मोहम्मद सलीम अपनी पत्नी के साथ अपनी निजी रिश्तेदारी हुई शादी समारोह में जा रहे थे। वहीं पास के ही गांव में पहुंचा था तभी अचानक से 3 दबंग युवक बाइक सवार आते हैं और उनकी बाइक में टक्कर मार देते हैं, जिसमें टक्कर लगते ही गाड़ी खाई में जा गिरती है और बच्चों सहित 3 बाइक सवार चोटिल हो जाते हैं। वहीं बदमाशों ने मारपीट कर सोने चांदी के जेवरात लूट कर हुए फरार। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। ATM के अंदर आने जाने वाले लोगों के ATM धोखे से बदलकर उनके बैंकों से लाखों रुपया उड़ाने वाला एक शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ATM बदलकर रुपया उड़ाने का शातिर अपराधी का कारनामा CCTV कैमरे की फोटोज में कैद हुआ है। प्लीज शांति बना के रखिए, पीछे जो लोग हैं। बताया कि ललितपुर में ऐसा कुछ देखने में आया, एक आध शिकायत मेरे पास भी आई जिसमें एक अभी छोटा बच्चा था, इसकी बहन मेरे पास आई थी कि मेरा भाई गया था, उसने पैसा निकाला और हमारे अकाउंट से ऐसे करके 13,000 रुपये निकल गए। एक व्यक्ति और आया, उसके अकाउंट से लाखों रुपये निकले, 1.5-2 लाख रुपये निकल गए। तो हमने इसमें टीम लगाई थी और इस टीम को सफलता मिली। इस टीम में हमारे प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला और SI मुलायम सिंह गुलाम हुसैन जो साइबर सेल के हमारे प्रभारी हैं और उनकी टीम में प्रदीप कुमार हैं साइबर सेल के, अखिलेश कुमार हैं, रजनी चौहान हैं और रविंद प्रताप, ये पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी। और इसमें अक्यूज्ड जो गिरफ्तार किया है इसका नाम है रविंद्र रैकवार पुत्र धनीराम निवासी नेहरू नगर कोतवाली ललितपुर, अर्थात ये शातिर अपराधी अपने ललितपुर का ही है। और ये अपने शिकार के लिए जो ATM होता है उसमें जाके खड़ा रहता है काफ़ी देर तक और जैसा भी उसको शिकार मिल जाए, जैसे ये छोटा बच्चा आपने देखा वो अपना कार्ड जो कि मशीन में फंसा रह गया वो छोड़ के चला गया पैसा लेके, ऐसे लोगों को शिकार करके और कई बार कार्ड एक्सचेंज भी करता है। तो एक शिकार जो और हुए हैं हमारे जो विक्टिम है उनका कार्ड इसने एक्सचेंज किया था और इस तरह से इसने कई लोगों के पैसे निकाले और ये बरामदगी इसकी निशानदेही पे हम लोगों ने करी, जिसकी टोटल जो है 1,40,000 जो इसने दूसरों के अकाउंट से निकाले थे वो हम लोगों ने रिकवर किए हैं। और इसने ये बात स्वीकार करी है, कुछ पैसे इसने जुए में खर्च कर दिए, बाकी जो थी रिकवरी हम लोगों ने कर ली है। शातिर अपराधी है और ये सभी लोगों को सचेत भी करना था, बताना भी था कि ATM के प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतें। और ये टीम चूंकि हमारी बहुत अच्छा है, उन्होंने काम किया है, इनको हम 20,000 रुपये का।